क्या करे लड्डू। एक बार रामू हलवाई लड्डू बनाकर थाल में सजा रहा था, तभी एक लड्डू लुढ़क कर बाहर गिर गया। जैसे ही हलवाई ने उसे उठाना चाहा, लड्डू चलने लगा। हलवाई उसके पीछे दौड़ा, आगे आगे लड्डू, पीछे पीछे हलवाई। सड़क पर खेलते बच्चे भी लड्डू को पकड़ने दौड़ पड़े। बेचारा लड्डू परेशान हो गया। डर के मारे वो एक घर में घुस गया और दौड़कर कुर्सी पर बैठे दादाजी की गोद में जा बैठा। लड्डू को देखते ही दादी बिगड़ गई। वे समझी कि दादाजी अकेले ही लड्डू खा रहे हैं। दादाजी को खुद नहीं मालूम था कि वो लड्डू कहाँ से आया है। वे भी ताव खा गए। लड्डू देखकर दादी जी के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने कहा, आधा लड्डू मुझे भी चाहिए। दोनों की बातें सुनकर दादाजी के कमजोर हाथ से लड्डू निकल भागा। अब लड्डू एक कार्यालय में घुस गया। कूदता फांदता लड्डू वहां टेबल पर जा बैठा। उसे देखकर लोग चौंक गए और इधर उधर भागने लगे। लड्डू को आश्चर्य हुआ कि छोटे निडर और बड़े डरपोक हैं। एक आदमी साहस कर पास आया और चिल्लाया, अरे ये बम नहीं लड्डू है। तभी बड़े साहब ने कहा, इस लड्डू का चूरा करके सब में बांट दो। हाय, यहां भी धोखा हो गया। लड्डू मन ही मन बड़बड़ाया। वो भागते भागते बहुत थक गया था। हर कोई उसे खाना चाहता था। अब उसे सिर्फ पुलिस का ही सहारा था। वो थाने में गया और थानेदार से गिड़गिड़ाया, साहब मुझे बचाओ। थानेदार बड़े प्यार से उस पर हाथ फेर कर बोले, भैया लड्डू, तेरा गोल गोल सुंदर शरीर, केसरिया रंग, केसर और इलायची की खुशबू, तुझे देखकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। अब लड्डू क्या करे, वहां से वो 9 2 11 हो गया और हलवाई के थाल में जा बैठा। उसे बड़ा गर्व हो रहा था कि वो सभी को अच्छा लगता है।